नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खत्म हुआ मतदान। संसद भवन के साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभा में हुई वोटिंग। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला। 8 सांसद नहीं डाल पाए वोट। 21 जुलाई को आएगा परिणाम। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव और राजभर पार्टी के विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में किया मतदान। गुजरात उड़ीसा के कांग्रेस विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग की। मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग की खबर। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भरा नामांकन। विपक्ष की प्रत्याशी मार्गेट अलवा से होगा मुकाबला। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। संसद के मानसून सत्र का आगाज। पहले दिन लोकसभा में नव निर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। बोले पीएम मोदी, सदन में सकारात्मक चर्चा जरूरी। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के हैं आसार। श्रावण के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने सुबह से ही शिव मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की। पवित्र नदियों में भी लोगों ने लगाई डुबकी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, दूसरे के अपमान की छूट नहीं देता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना इस दिशा में अहम कदम है। केरल में मंकी पॉक्स का एक और मरीज आया सामने। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कन्नूर के 31 वर्षीय व्यक्ति का परियाराम मेडिकल कॉलेज में अभी चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर में दिखाई दिए 2 दिन में 3 ड्रोन। तीसरा ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने सांबा के सीमा क्षेत्र के पास तलाशी अभियान चलाया। एसओजी के डीएसपी ने बताया कि तलाशी अभियान में अब तक हमें नहीं मिली कोई आपत्तिजनक सामग्री। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में बड़ा हादसा। महाराष्ट्र रोडवेज की यात्री बस नदी की रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी। 13 यात्रियों की मौत। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर नफरत फैलाती है। इसका उदाहरण कानपुर दंगा है। पुलिस अगर समय पर निर्णय लेती तो इनकी इंटेलिजेंस फेल नहीं होती और इतना बड़ा दंगा न कानपुर, न प्रयागराज और न ही किसी प्रदेश में होता। नीट एग्जाम के दौरान केरल में छात्राओं को किया गया अपमानित। जांच के नाम पर उतरवाए अंडरगार्मेंट्स। घटना केरल के कोल्लम स्थित परीक्षा केंद्र की है। करीब 100 लड़कियों को इस स्थिति का सामना करना पड़ा। कोटारक्का के पुलिस उप अधीक्षक के पास दर्ज कराई गई है शिकायत। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के दौरान कोटा में हिजाब को लेकर हंगामा। 4 मुस्लिम परीक्षार्थी हिजाब पहनकर सेंटर के अंदर जाने की बात पर अड़ गई। कॉलेज प्रबंधन और पुलिस कर्मियों ने यूनिफॉर्म गाइडलाइन का हवाला देते हुए उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानी। हिजाब पहनकर ही उन्होंने सेंटर में किया प्रवेश। राष्ट्रपति चुनाव में व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गजों ने भी किया मतदान। ग्वालियर में भाजपा को झटका। 57 साल बाद कांग्रेस ने महापौर पद पर जमाया कब्जा। कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शोभा सिकरवाल ने भाजपा की सुमन शर्मा को 28,000 से ज्यादा मतों से हराकर रचा इतिहास। तमिलनाडु पुलिस ने कल्लाकुरिची हिंसा मामले में आरोपियों को अदालत में पेश किया। इस मामले में कुल 120 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि उस परिस्थिति में बेहतर यह होता है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद ही उस जिम्मेदारी से पीछे हो जाए। मैंने बगावत के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसा होता तो मैं भी सभी विभागों से इस्तीफा दे सकता था। शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 760 अंक उछल कर 54,521 अंक पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी 229 अंक की बढ़त के साथ 16,279 अंक पर हुआ बंद। फिल्म भूल भुलैया के सुपरहिट होने के बाद कार्तिक को मिली एक और बड़े बैनर की फिल्म। आर्यन ने इंडस्ट्री के 2 दिग्गज साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान के साथ साइन की एक फिल्म। इस अनटाइटल फिल्म को कबीर खान करेंगे निर्देशन। साउथ स्टार किच्चा सुदीप अपनी फिल्म विक्रांत रोना को लेकर सुर्खियों में। किच्चा ने खुद फिल्म की कॉस्ट्यूम तैयार की है। फैंस को किच्चा का यह लुक आ रहा है काफी पसंद। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।